हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आपने कार चलाते वक्त अपने कार के डैशबोर्ड में येलो या फिर ऑरेंज कलर्स में इस चेक इंजन लाइट को जलते हुए देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये चेक इंजन लाइट कब जलता है, क्यों जलता है, इस चेक इंजन लाइट के जलने पे आपको क्या करना है, इसके अलावा टॉप 10 रीजंस क्या है जिसके वजह से डैशबोर्ड में ये चेक इंजन लाइट का डिस्प्ले होता है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो चेक इंजन लाइट मोस्ट ऑफ द कार में येलो या फिर ऑरेंज कलर में डिस्प्ले होता है, लेकिन कुछ कार ऐसी है जहाँ पे ये रेड कलर में भी डिस्प्ले होता है। अब फ्रेंड्स, ये जो चेक इंजन लाइट जो कि डिस्प्ले हो रहा है वो बहुत सारी बातें को बताता है। कई बार प्रॉब्लम्स बहुत छोटी होती है, कई बार प्रॉब्लम्स बहुत ही बड़ी होती है। अब आप कैसे पता करें कि प्रॉब्लम बड़ी है छोटी है? तो पहली बार जब आपका नज़र जाता है चेक इंजन लाइट जो डिस्प्ले हो रहा है डैशबोर्ड में, तो अगर वो लगातार डिस्प्ले हो रहा है इसका मतलब कि प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। या तो आप उसे तुरंत भी ठीक करा सकते हो या आपके पास टाइम भी है, कुछ दिन बाद भी आप इसे ठीक करा सकते हो। लेकिन जो चेक इंजन लाइट जो डिस्प्ले हो रहा है अगर वो ब्लिंक कर रहा है इसका मतलब हो गया कि आपका जो प्रॉब्लम है कार में वो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप दो तरीके से खुद से सर्विस सेंटर ले जाने से पहले खुद से भी चेक कर सकते हो कि जो चेक इंजन लाइट जो डिस्प्ले हो रहा है वो किस प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहा है। फ्रेंड्स, पहले क्या होता था, मतलब ये 1980s से ये जो कार का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसमें ये चेक इंजन लाइट को डाला गया है। और शुरू में क्या होता था कि जो आपका वहाँ पोर्ट था जिससे हम लोग चेक करते हैं, डायग्नोस्टिक्स करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, वो पहले क्या था कि वो पोर्ट जो था वो हम लोग को सीधा सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ता था और वहीं से वो प्रॉब्लम बता पाते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी के टाइम में क्या हो गया कि आप खुद से भी चेक कर सकते हो अपने मोबाइल के हेल्प से या फिर जो OBD सेंसर होता है उसके हेल्प से चेक कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है और कितना बड़ा प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, आप दो तरीक़ा से जो चेक इंजन लाइट का जो कोड्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसे स्कैन कर सकते हो, एक अपने मोबाइल की हेल्प से और दूसरा ये जो आप देख रहे हो OBD जो स्कैनर है इसके हेल्प से। अब ये जो OBD स्कैनर है वो आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह मिल जाएगा। इसमें फ्रेंड्स करना क्या है कि जो OBD स्कैनर है उसका एंड एक एंड को अपने कार के जो पोर्ट है, यहाँ पे जो पोर्ट देख रहे हो आप, इस पोर्ट में इसे कनेक्ट करना है। उसके बाद क्या है कि ये जो OBD स्कैनर है उसे स्कैन करेगा। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि वो क्विक टेस्ट रिजल्ट दिखाएगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो कि अलग अलग कोड्स दिखा रहा है, किसी के लिए 3 कोड, किसी के लिए 1 कोड, ये प्रॉब्लम्स बता रहा है, ठीक है, किस सिस्टम में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो इसे इंडिकेट कर रहा है। अब फ्रेंड्स, आप इस कोड्स को खोल के खुद से भी चेक कर सकते हो कि कहाँ पे क्या माइनर प्रॉब्लम है या मेजर प्रॉब्लम है। अब किन किन प्रॉब्लम्स, किन किन रीजन्स की वजह से चेक इंजन लाइट डिस्प्ले होता है इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। तो ये तो हुआ कि आप किस तरह से OBD स्कैनर के हेल्प से पता कर सकते हो कि ये जो चेक इंजन लाइट है वो क्यों डिस्प्ले हो रहा है। दूसरी बात फ्रेंड्स क्या है कि आप अपने मोबाइल के हेल्प से भी इसे पता कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जो देख रहे हैं जो OBD स्कैनर है ये फ्लिपकार्ट वगैरह में सस्ते में मिल जाता है, आपको इसे लेना और इसे अपने पोर्ट के साथ, जो कार के पोर्ट के साथ कनेक्ट करना है। उसके बाद इसे आप अपने मोबाइल से ब्लूटूथ से आपको इसे कनेक्ट करना है। उसके बाद क्या करेगा, जो OBD स्कैनर है वो स्कैन करेगा, डायग्नोस करेगा जो भी प्रॉब्लम है सिस्टम में, ठीक है, जो कार के इंजन में प्रॉब्लम जो भी है उसे फिर आपको डिस्प्ले कर देगा आपके मोबाइल में। तो वहां पे भी जाके आप उसे चेक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि आप मैन्युअली खुद से कैसे चेक कर सकते हो। अगर लेकिन अगर प्रॉब्लम बड़ा हो तो बेस्ट यही है कि आप इसे सर्विस सेंटर में ले जाए, फिर वहां से वो कंप्यूटर से कनेक्ट करके इसे डायग्नोज कर लेते हैं और फिर इसे प्रॉब्लम को हटा देते हैं। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स कि टॉप 10 रीजंस क्या है जिसके वजह से ये कार के डैशबोर्ड में जो चेक इंजन लाइट है वो डिस्प्ले होता है। सबसे पहला और कॉमन प्रॉब्लम वो है कि जब हम लोग पेट्रोल या डीजल भराते हैं तो कई बार क्या होता है कि जो पेट्रोल टैंक या फिर डीजल टैंक का जो कैप है वो ढंग से नहीं लग पाता। अब अगर वो ढंग से टाइट नहीं होता है तो उसके वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो चेक इंजन लाइट है वो डिस्प्ले होता है। दूसरा प्रॉब्लम है ऑक्सीजन सेंसर फेलियर। अब जो ऑक्सीजन सेंसर होता है वो कार के एग्जॉस्ट सिस्टम में अनबर्न्ड ऑक्सीजन का मेज़र करता है, कितना कार के एग्जॉस्ट सिस्टम में अनबर्न्ड गैसेस है उसे मेज़र करता है। उसके बाद फिर इस डेटा को वो इंजन के जो कंप्यूटर है, जो कार का कंप्यूटर सिस्टम, उसे भेजता है। फिर वो क्या करता है कि जो सिलेंडर के अंदर में जो एयर फ्यूल का मिक्सचर आ रहा है उसे रेगुलेट करता है। अब फ्रेंड्स, अगर आप ऑक्सीजन सेंसर जो ख़राब हो गया है तो उसके बावजूद भी कार चलता तो स्मूथली है, लेकिन वो टाइम टू टाइम फिर धीरे क्या करता है वो आगे जाके कि कार के जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे कि स्पार्क प्लग हो गया, कैटलिस्ट कन्वर्टर हो गया, इन सबको वो डैमेज कर सकता है।
तीसरा और सबसे महंगा रीजन जो है चेक इंजन लाइट के डिस्प्ले होने का, वो है कैटेलिक कन्वर्टर का फेलियर। अब फ्रेंड्स, जो कैटेलिक कन्वर्टर होता है वो इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, और ये क्या करता है, कंबसन प्रोसेस के टाइम में जो कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है उसे ये कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज करता है। बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स ये भी कॉम्पोनेंट होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर इसमें फेलियर हो जाता है तो ये क्या है कि बहुत ही महंगा आता है, कैटेलिक कन्वर्टर को रिप्लेस करना बहुत ही महंगा होता है। अगला रीज़न है स्पार्क प्लग इग्निशन कॉइल इशूज। अब फ्रेंड, स्पार्क प्लग करता क्या है, वो सिलेंडर के अंदर में जो एयर फ्यूल का कंप्रेस्ड मिक्सर है उसे इग्नाइट करता है। अब इग्नाइट करने के लिए उसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और वो इलेक्ट्रिसिटी मिलता है उसे इग्निशन कॉइल से। अब मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि जो क्लासिक कार होती थी वहाँ पे एक ही इग्निशन कॉइल होता था, लेकिन आज के टाइम में क्या है कि हर एक सिलेंडर के लिए अलग अलग इग्निशन कॉइल अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स, अगर स्पार्क प्लग या फिर इग्निशन कॉइल का इशू होता है तो उसके वजह से भी चेक इंजन लाइट डिस्प्ले होता है। अगला रीज़न है बैड स्पार्क प्लग वायर्स। अब फ्रेंड्स, जो स्पार्क प्लग के पीछे लगा हुआ वायर होता है अगर वो कट छट जाए या सही से लगा नहीं हो तो उससे भी क्या होता है, जो चेक इंजन लाइट है वो डिस्प्ले होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो स्पार्क प्लग के पीछे का जो वायर है वो कॉइल से लेकर स्पार्क प्लग तक इलेक्ट्रिसिटी को भेजने के काम आता है, तो इसके वजह से भी जो चेक इंजन लाइट है वो डिस्प्ले होता है। अगला रीज़न है मास एयर फ्लो सेंसर का फेलियर। फ्रेंड, जो मास एयर फ्लो सेंसर होता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हो, वो होता है इंजन के मैनेजमेंट सिस्टम का हिस्सा होता है, और इसके अलावा ये क्या करता है, ये इंजन के अंदर जाने वाले एयर को मॉनिटर करता है। अगर अब इस पे फेलियर होता है तो इसके वजह से भी जो लाइट है वो डिस्प्ले होता है। अगला रीज़न है वैक्यूम का लीक होना। फ्रेंड्स, हर एक कार में वैक्यूम सिस्टम होता है, और ये जो वैक्यूम सिस्टम होता है वो अलग अलग ऑपरेशन को ऑपरेट करता है, उसे परफॉर्म करता है। जैसे कि जो हमारा ब्रेक बूस्टर है वो वैक्यूम ऑपरेटेड होता है, इसके अलावा जो वैक्यूम सिस्टम होता है वो हार्मफुल एमिशन को भी कम करता है। तो अगर वैक्यूम लीक हो तो उसके वजह से भी ये जो लाइट है वो डिस्प्ले होता है। अगला रीज़न है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन जो वॉल्व होता है उसका फेलियर। अब फ्रेंड, जो एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम होता है वो इंजन से निकाल के इंजन से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड के अमाउंट को कम करती है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो कार है वो इफिशेंटली रन करता है। इसके अलावा ये क्या करती है कि ये जो कंबसन चैम्बर से बाहर निकलता है जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसे ये डायरेक्टली मतलब कि वापस भेजती है कंबसन चैम्बर के अंदर में। इससे क्या होता है कि जो फ्यूल है वो गर्म हो जाता है और अच्छे से बर्न हो पाता है। इसके अलावा ये क्या करती है, एमिशन को भी रिड्यूस करती है। अगला रीज़न है, बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये भी है, वो है डेड बैटरी। अगर बैटरी डेड हो जाए तब भी जो हमारा चेक इंजन लाइट है वो डिस्प्ले होता है। आखिरी रीज़न है थर्मोस्टैट का फेलियर। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि थर्मोस्टैट जो होता है वो इंजन के कूलिंग सिस्टम का हिस्सा होता है, और जो वाटर सर्कुलेट होता है वो थर्मोस्टैट की वजह से उसे रेगुलेट होता है। अब वाटर को सीधा जाना सिस्टम के अंदर में या फिर उसे जाना है रेडिएटर में, ये डिसाइड करता है थर्मोस्टैट अप एंड डाउन मूवमेंट के साथ ही। तो अगर थर्मोस्टैट में फेलियर हो जाए तो फिर भी ये जो चेक इंजन लाइट है वो आपके डैशबोर्ड में डिस्प्ले होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 10 रीजन जिसके वजह से जो चेक इंजन लाइट है वो आपके कार के डैशबोर्ड में डिस्प्ले होता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये जो चेक इंजन लाइट जो डिस्प्ले होता है वो क्यों होता है, कब होता है, और किस तरह से आप इसे ठीक कर सकते हो, किस तरह से आप इसे चेक कर सकते हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें। इसके अलावा चैनल के बारे में आपकी क्या राय है, वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के टेक्निकल और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर अपलोड करते रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, गुड बाय।